वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैदराबाद, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन रिट्रीवर ब्रीडर से मिलने। आइए मिलते हैं मिस्टर मंडली चंद्रशेखर रेड्डी जी से। तो अन्ना बताइए, आप इस फील्ड में कब से हैं? मेरे को ये बचपन से बहुत शौक था। मैं अभी वो टाइम पे मैं नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट मैं मेरा एजुकेशन खत्म होने के बाद इसमें आ गया। मैं ऑलमोस्ट 30 ईयर से मेरे शौक है, जब से पाल रहा है अनब्रीड जैसा। एक 20 साल से तो कंप्लीट प्रोफेशन में गोल्डन रिट्रीवर में आ गया हमें। तो अन्ना बताइए, आपके कैनल का क्या नाम है और इसके पीछे इसकी जर्नी बताइए आप। मेरा फ्लिकर का मेरे कैनल का नाम है फ्लिकर्स। ये अभी मैं पहले जर्मन शेफर्ड से चालू किया और बाद में और लैब्राडोर किया और सो मैंने ब्रीड्स ऑलमोस्ट रॉटविलर भी किया, बॉक्सर किया और कॉकस पैनल किया, माल्टीज किया, पक्स, सो मैनी ब्रीड्स, बट लगभग ऑल ब्रीड किया था मैंने। बाद में मेरे को सोचा है अभी एक ही ब्रीड में रहे तो अच्छा रहता बोल के ऐसा गोल्डन रिट्रीवर में आ गया। कब से कर रहे हैं फिर गोल्डन रिट्रीवर में? कितने साल हो गए गोल्डन रिट्रीवर में आके? मेरे को ऑलमोस्ट 20 साल हो गया। और इसके 20 साल इसमें आने के बाद मैं क्या किया, एक 2-3 साल के बाद एक माल्टीज में गया। उसको ऐसे इसके लिए ग्रूमिंग के लिए मैं बाहर गया, ग्रूमिंग भी सीख लिया स्पेशली मेरा प्रोफेशन हॉबी के लिए, ऐसा कर पाया मैंने। तो अन्ना बताइए कि आपके किनल में अभी कितने टोटल डॉग्स हैं? मेरे किनल में अभी 17 डॉग्स है। अच्छा, और इनको आप मैनेज कैसे करते हैं? मेरे पास स्टाफ है। अच्छा, वो लोग मैनेज करता है। एक्चुअली मैं तो डेली मॉर्निंग 1 आवर ऐसा स्पेंड करता है, जैसा मॉर्निंग एंड इवनिंग 1 आवर स्पेंड करता है इसके साथ। जो भी एक्स्ट्रा जो वो लोग का हम लोग सेट करके जो होता है वो काम वो तो हम लोग कर लेगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा काम रहेगा प्रोफेशनल से वो मैं हैंडल करता हूं। तो अन्ना मैंने एक चीज आज नोटिस की, केनल में विजिट करने का मैंने देखा कि आपके यहाँ डॉग्स का कहीं पे भी हेयर फॉल नहीं दिखा। ये बहुत ही वेल मेंटेन डॉग्स दिख रहे हैं और काफी लोग गोल्डन्स में मैंने देखा है नॉर्मली कि उन लोग हेयर फॉल्स का इशू फेस करते हैं। तो आप यहाँ पर इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं डॉग्स को या क्या करते हैं उसके? ऐसा लोग सोचता है, इसमें बड़ा बड़ा दिक्कत की बात ही नहीं है। गोल्डन बहुत इजी है। क्या है डेली इसको क्या है कि एक एक डॉग को एक टाइम 10 मिनट अपन स्पेंड करें तो इतना टाइम ना रहे, कॉम्ब्स रहता है, स्टील कॉम्ब ज़्यादा भी नहीं है और ब्रशेस रहता है, इससे थोड़ा कॉम्बिंग कर देना, थोड़ा मसाज कर दिए तो उसको भी अच्छा रहेगा, अपने को भी अच्छा रहेगा, इससे अफेक्शन भी हो जाता है इससे डॉग को। तो अन्ना जैसे कि मुझे पता है कि आप इतने सालों से ये कर रहे हैं, तो इसमें आपके कितने माइलस्टोन आज तक के हुए, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पहले मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था कॉकस पैनल से। ओके, इसको चैंपियन किया, मेरा ब्रीडिंग का कॉकस भी बहुत चैंपियन हो चुका है। इसके बाद मैंने लैब्राडोर भी किया, वो मैं तो इसका उसमें भी बहुत चैंपियन बन चुका है, मेरा लाइन का, मेरा ब्रीडिंग का है। ओके, और इसमें इसके बाद बॉक्सर्स भी किया, रॉटविलर भी किया, सब में चैंपियन ऑलमोस्ट मेरा हर में जो ब्रीड चूज किया ना मेरा ब्रीडिंग हर एक डॉग भी ऑलमोस्ट मेरे कस्टमर्स ने बहुत चैंपियन कर चुका है। मैं तो इसके बाद क्या है 20 साल के बाद मैं प्योरली गोल्डन रिट्रीवर में कॉन्सेंट्रेट किया, टोटली शो के लिए मैं कॉन्सेंट्रेशन करके। अच्छा, इसी गोल्डन रिट्रीवर में भी आपके काफी विनिंग्स? यस। अन्ना एक हमेशा एक ये सुनने में आता है कि गोल्डन रिट्रीवर्स के लॉन्ग हेयर्स है तो उसको मेंटेन करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, ऐसा यानी
बहुत सारे एंड यूजर्स और नॉर्मल पब्लिक जो गोल्डन रखना चाहती है हमेशा कंपैरिजन होता है स्मॉल हेयर्स और लॉन्ग हेयर्स से, तो आप ये कंफ्यूजन थोड़ा सा उनको क्लियर कर दीजिए कि लॉन्ग हेयर्स बेटर है शॉर्ट हेयर से या शॉर्ट हेयर्स बेटर है लॉन्ग हेयर से। ये गुड क्वेश्चन है कपिल। एक्चुअली लोग सोचता है खाली गोल्डन को लंबा बाल रहता बोल के निकल जाता बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, हर एक ब्रीड में जो मोल्डिंग होता है सीजन के हिसाब से रेगुलर होता ही रहता है, मगर वो उसमें बाल इसमें दिक्कत क्या है, अगर बड़ा हेयर रहने से ही आप अपने को अच्छा रह सकते ग्रूमिंग करे तो एक साथ आ जाता है, अगर कहीं गिर गए तो एक क्रोम एक कॉर्नर पे जाता है, अगर छोटा बाल रहने से क्या होता है वो इधर उधर गिर जाता है, वो अपने को पूरा ये एक्चुअली छोटा बाल की वजह इसको कंपेयर करे तो मेरा ये ब्रीड अच्छा है एक्चुअली लॉन्ग हर एक लॉन्ग ब्रीड वाला हेयर जो अच्छा है लॉन्ग हेयर ब्रीड लॉन्ग हेयर।